नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने $900 बिलियन के COVID-19 राहत बिल पर रविवार को दस्तखत कर दिए। ये जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। इस बिल से अमेरिका में कोरोना महामारी की वजह से रोजगार गंवाने वालों को मदद मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इस पर मुहर लगाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि इसकी राशि बढ़ाई जानी चाहिए। एक हफ्ते की देरी और चारों तरफ से दबाव के बाद ट्रंप ने ये कदम उठाया है। कोरोना वायरस महामारी से मुकाबले और राहत देने वाला ये पैकेज एक भारी भरकम खर्च वाले बिल का हिस्सा है जिस पर ट्रंप ने हस्ताक्षर किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस बिल पर मुहर लगाने के बाद कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगार हुई जनता को मदद मिलेगी। महामारी से आर्थिक संकट का सामना करने वाले लोगों के लिए ये बिल काफी मददगार होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने COVID-19 रिलीफ बिल पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा, मैंने बेरोजगारों को फायदा पहुंचाने के लिए इस बिल पर साइन किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि लोगों के पास PPP के लिए पैसा आए, हमारे एयरलाइन कर्मचारी काम पर वापस लौटे, वैक्सीन के लिए लोगों के पास पर्याप्त रुपए हों और भी बहुत कुछ लाभ मिले, इसलिए मैंने इस बिल पर साइन किए हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका में देखने को मिला। काफी संख्या में कोरोना से लोगों की मौत के अलावा अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान पहुंचा है। काफी लोगों की नौकरियां गई हैं। बेरोजगारों और जरूरतमंदों की मदद के लिए अब ये बिल लाया गया है। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण के अब तक 8 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 17.5 लाख लोग वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा 1.89 करोड़ से ज्यादा COVID-19 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं अमेरिका में 3 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।